डू यू रिमेंबर एनी प्रैंक जो आपने अपने मे बी अपने स्टूडेंट्स के साथ कभी किया हो या अपने स्कूल में कभी किया हो दैट यू वुड वांट टू शेयर विद अस? मोर प्रैंक्स ऑन द टेनिस सर्किट। ओके, टेल अस वन, एक बताइए। एक हमारा कैंप हुआ करता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में, एंड हम लोग सब 12-13 साल के थे उस वक्त जब हमें इस कैंप के लिए जाना पड़ता था, और ये एक महीने का कैंप हुआ करता था। तो हमारे एक को प्लेयर थे, उनका नाम था राम कुमार, कलकत्ते से था। तो और हम करीब 25-30 बच्चे जो थे एक डॉर्मेट्री में रहा करते थे, और सिर्फ दो बाथरूम हुआ करते थे, दो या तीन बाथरूम हुआ करते थे, हमें शेयर करना था। राम कुमार की आदत थी कि वो अलार्म सेट करके सबसे पहले बाथरूम चला जाता था और सबसे ज़्यादा टाइम लगाता था, और इसकी वजह से जो है हम कितनी बार काफ़ी प्लेयर्स को जो है ब्रेकफास्ट मिस करना पड़ा, या तो टेनिस सेशन के लिए लेट पहुंचना पड़ा क्योंकि उन्हें चांस नहीं मिला था बाथरूम जाने का। तो हम लोग ने एक बार डिसाइड किया कि यार ये तो बहुत ये सही नहीं हो रहा है, राम कुमार जो है अपना अलार्म सेट करके बिल्कुल पहले उठ जाता है। तो अलार्म उसने लगाया हुआ था 5 बजे का, और पटियाला में 5 बजे भी काफ़ी अंधेरा रहता था। तो हमको याद है कि एक प्लेयर ने डिसाइड किया कि यार इसका अलार्म जो है हम लोग चेंज करके 3 बजे का लगा देते हैं, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उसको क्योंकि अंधेरा वैसे ही है। तो हम लोग ने जो है अलार्म लगा दिया उसका, वो जब सोया तो उसने अलार्म चेंज करके हमने 3 बजे का अलार्म लगा दिया, और उसके बाद हम लोग आराम से सोए क्योंकि राम कुमार जी जो हैं 3 बजे उठ के बाथरूम गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको 1 घंटा लगाना था, 2 घंटा लगाना था, जो भी टाइम उन्होंने लगाया है वो रेडी हो के फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए चले गए करीब 4 बजे। ब्रेकफास्ट हॉल जो था वो 6 बजे के पहले खुलता नहीं था, और जहाँ पे हम लोग ठहरे थे वो करीब 1 किलोमीटर दूर था ब्रेकफास्ट हॉल से। तो राम कुमार चले तो गए, जाके उन्होंने जो है वहाँ पे नॉकिंग किया है 4 बजे सुबह, ऑब्वियसली सब कुछ बंद था। तो ऑब्वियसली समझ गया वो थोड़ी देर बाद कि क्या हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है काफ़ी याद रहती हैं और ऑफकोर्स देर आर लॉट ऑफ अदर प्रैंक्स दैट वी प्लेड जो हम टीवी पे नहीं कह सकते लेकिन दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट वंस। सुपर फन सर। मुझे बताइए सर, आप बॉलीवुड के फैन हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, पूरी फैमिली देखती है। बिल्कुल। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर गाना है कि जो आपका मूड अपलिफ्ट करता हो जब आप थोड़ा लो फील कर रहे हो या आपको लग रहा हो कि अरे ये क्या हो रहा है, या आपको मोटिवेट करता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पुराने गानों की बात ही अलग है। एंड वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग इज सागर के नारे। दिस इज एन ओल्ड सॉन्ग, एंड ऑफकोर्स देर आर सो मैनी सॉन्ग्स, बट द ओल्ड सॉन्ग्स हैड मीनिंग, दे हैड अ सर्टन फीलिंग टू इट, एंड टिल टुडे इवन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग थिंग्स लाइक दैट यू नो देर आई हैव अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स विच आर यू नो द रेट्रो Bollywood songs which I always like listening to, or when I'm driving then I listen to that. Of course naye gaane bhi hum sunte hain kyunki I have a son who's 20 years old, I have a daughter jo 15 saal ki hain, unhe jab purane songs sunate hain to obviously unko us type ki sentimental feelings nahi hai, so jab hum long trips pe jate hain you know we are forced to listen to the new songs as well. So is tarah se jo hai I'm pretty up to date. आजकल के जमाने में क्या गाने हैं और पुराने जमाने के जो गाने हैं उनके तो बाद ही अलग है। तो कौन सा रीसेंट कौन सा गाना है आपको याद है जो आपके बच्चे ने सुना आपको? पर मेरा फेवरेट सॉन्ग वो है डुआ लुपा, हाँ, दैट एल्टन जॉन के जो का जो गाना है, आई थिंक इट्स अ रीमिक्स ऑफ एन ओल्ड एल्टन जॉन सॉन्ग, आई थरली एंजॉय लिसनिंग टू दैट।